सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इधर में हम सारा जुगाड़ ले लिए कर रहे हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है, ये देखिए फिर भी लूज होने का प्रॉब्लम आ रहा है, हिलने का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें एक और रीज़न आ जाता है, फुल टेट दे देना, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और घर में ही आप कर लेंगे। हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल राजू में। सो दोस्तों जैसा कि ये एमटीबी रेंजर साइकिल आप देख रहे हैं, ये एमटीबी रेंजर साइकिल में एक प्रॉब्लम आ जाता है। एमटीबी में क्या, जैसे 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो या फिर किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, पैडल में एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिला, ये पैडल लूज होने का प्रॉब्लम। ये पैडल लूज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक के पास ले जाते हैं और टाइट करवाते हैं, फिर लूज का प्रॉब्लम आ जाता है, परमानेंटली इसका सलूशन नहीं हो पाता है। तो इसी का रिलेटेड में एक डियर सब्सक्राइबर पर्सनल इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजे हैं, वो वीडियो क्लिप हम आप लोग को सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। वो वीडियो क्लिप देखने के बाद फिर हम आपको इसका परमानेंटली सलूशन बताते हैं। मेरी साइकिल में ये क्रैंक प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए, ये भी ऐसे हिलता है और ये जो ये पत्ती देख रहे हैं ना आप, ये मैं दुकानदार के पास गया था तो वो उसने ये नट लगा दिया था और ये पत्ती लगा दी थी, फिर अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे हिसाब से जो ये गोला सा ये है, ये शायद ख़राब है, तो आप बताइए इसमें क्या ख़राब है मेरा। और अभी कल मैं टायर डलवा के आया हूँ, तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इस वाली साइकिल में कितनी तिल्ली आती हैं, जो वो चैनल है वो मेरा ही है जो मैं आपको मैसेज किया था। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो क्लिप देखे, अगर आप लोग नहीं समझे तो बताना चाहेंगे, वो भाई का प्रॉब्लम यह है पैडल में कि मैकेनिक के पास लेके गए, पैडल में जो है हिलने का प्रॉब्लम, लूज होने का प्रॉब्लम पहले तो आ ही रहा था, तो मैकेनिक एक चेन का इस तरह का पैकिंग लगा दिए हैं या फिर स्पोक का एक पैकिंग लगा दिए। पैकिंग लगाने के बावजूद भी जो है लूज का प्रॉब्लम नहीं गया, फिक्स नहीं हुआ परमानेंटली, वो लूज का प्रॉब्लम आ ही रहा था। इसे परमानेंटली कैसे फिक्स करना है, अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसमें जो है दो तरह का रीजन होता है, एक नहीं दो तरह का, तो चलिए आप लोग को बताते हैं। उससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, ये साइकिल में हम मॉडिफाइड किए हैं, डिस्क ब्रेक अलग से इसमें इंस्टॉल किए हैं और गियर अलग से इंस्टॉल किए हैं, 6 स्पीड गियर। अगर आपके पास इस तरह का नॉर्मल साइकिल है उसमें आप गियर या फिर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ईजिली आप हमारे वीडियो को देख करके कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इधर में हम सारा जुगाड़ ले लिए, चेन कड़ी का ये पत्ती को भी हम निकाल लिए हैं और इधर में एक स्पोक भी हम ले लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइकिल का ये सामान का नाम है करेंक, इसे बोला जाता है, इसे करेंक बोला जाता है और इसे गियर बोला जाता है। जैसा कि देख रहे हैं हम करेंक को खोल के बाहर निकाल दिए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में एक सेकेंड हैंड जो है करेंक है, जो कि ऑलरेडी पहले से खराब है। तो खराब इसमें आप कैसे देख सकते हैं, खराबी क्या आया है, तो जैसा कि देख रहे हैं ये देखिए न्यू वाला जैसे हम फिट कर रहे हैं तो ये देखिए आपका जो फिक्स जा रहा है, यानी टाइट जा रहा है, माइनर लूज बता रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देखें। और जब हम पुराना वाला इसमें फिट कर रहे हैं तो ये देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है, ये देखिए ठीक है। इतना ज़्यादा हिलने का मेन रीज़न ये है कि ये जो है लूज में चलने के कारण से इसका जो होल होता है यहाँ का, ठीक है, ये जो होल है ये आपका बड़ा हो गया है। बड़ा हो जाने के कारण से जो है इसमें अगर आप इस तरह का स्पोक का पैकिंग भी लगा देते हैं, इस तरह से मैकेनिक लोग जो है स्पोक का पैकिंग लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से स्पोक लगा दें उसका ये क्वार्टर पिन को ठोक देंगे तो ये आपका जो है कुछ देरी तक चलेगा, ठीक है, या फिर कुछ दिन तक चलेगा, ये आपका सॉल्व रहेगा, फिर लूज का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर मैकेनिक क्या करते हैं कि इससे भी नहीं होता है तो चेन का कड़ी को लेते हैं, चेन का कड़ी को लेने के बाद क्या करते हैं कि हल्का हल्का ये आपका बेंड करते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, हम बेंड कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं, इस तरह से बेंड करते हैं, ठीक है, ये हल्का हल्का राउंड हो गया, राउंड शेप में हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं कि इस तरह से जो है फिक्स करते हैं, ये देखिए पहले चेन का कड़ी जो है यहाँ पर लगाते हैं पत्ती को, ठीक है, पत्ती लगाने के बाद फिर इस तरह से करेंक को लगाते हैं, करेंक को लगाने के बाद इसे इस तरह से ठोक ठोक के फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद जब अंदर की ओर पूरा चला जाता है तो फिर क्वार्टर पिन लगा करके टाइट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम से करेंक अच्छे से फिक्स हो जाता है तो फिर ये आपका चलता रहेगा, लेकिन चलते चलते क्या होता है कि ज़्यादा दिन चलने के बाद फिर आपका ये लूज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है कि ये जो क्वार्टर पिन है ये आपका ओवर साइज लगाना पड़ता है, ओवर साइज लगाने के बाद फिर कुछ दिन तक चलता है, फिर ये लूज का प्रॉब्लम आ जाता है। इसका परमानेंटली जो सोल्यूशन आता है, ये जो करेंक होता है ये करेंक आपको चेंज करवा देना है, न्यू करेंक आपको लगवा लेना है। रुको जरा, सबर करो।
और भी जानकारी है, वीडियो पूरा देखो। ठीक है, न्यू क्रैंक अगर आप लगा लेते हैं इस तरह का, तो फिर ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक काम और करना है, जब भी आप न्यू क्रैंक लगवाते हैं, या फिर आपका न्यू साइकिल हो, या फिर पुराना साइकिल हो, या फिर आप न्यू गियर क्रैंक सेट अपना साइकिल में लगाए हैं, तो आपको क्या करना है, ये करेंक जो है लूज हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे आप न्यू करेंक सेट लगाएंगे तो कुछ दिन चलने के बाद ये लूज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो लूज में कभी भी आपको नहीं चलाना है, चाहे साइकिल का कोई भी ऐसा पार्ट्स हो, कोई भी ऐसा सामान हो, अगर लूज हो जाता है तो तुरंत मैकेनिक के पास लेके जाना है, उसे आपको टाइट करवाना है, नहीं तो आपका जो है वो सामान पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आपका वो रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर होने लायक नहीं रहेगा। जैसा कि भाई का वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, समझा दिए और बता दिए। हल्का सा लूज़ हो जाने के बाद उसी में अगर चला देते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करता, सामान घिस जाता, ख़राब हो जाता, फिर न्यू सामान लगाए बगैर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाता है। कि देख रहे हैं ये हमारा न्यू करेंक है, तो इसे हम इस तरह से लगा दिए। लगाने के बाद देखिए माइनर प्ले बता रहा है, ज़्यादा नहीं बता रहा है, लेकिन ये जो है ये आपका ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, न्यू गियर करेंक सेट जब आप लगा लेंगे, न्यू करेंक अगर आपका ख़राब हो तो न्यू करेंक लगाना है, और अच्छे से आपको जो है फिक्स करवा लेना है, मैकेनिक अच्छे से आपको फिक्स कर देगा इस तरह से। ठीक है, फिक्स करने के बाद कुछ दिन चलेगा तो ये आपका लूज हो जाएगा। ये करेंक का होल जो है बड़ा हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम होता है, और परमानेंटली इसका सोल्यूशन आता है कि न्यू करेंक सेट लगा लेना है। न्यू करेंक लगाने के बाद अगर लूज का प्रॉब्लम आ जाता है, चाहे नया साइकिल हो या फिर पुराना साइकिल में न्यू करेंक लगाए हैं परमानेंटली फिक्स करने के लिए, और लूज का प्रॉब्लम आता है, तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। अगर आप सोच रहे कि मैकेनिक के पास हमको लेके नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, हैमर लेना है। हैमर लेने के बाद यहाँ पर आपको दो हैमर कर देना है, दो हथौड़ी मार देना है। दो हथौड़ी मारने के बाद 10-11 स्पैनर की मदद से नट को आपको टाइट कर देना है। ठीक है, देखिए हम आप लोग को करके दिखाते हैं। अगर नीचे में कोई जुगाड़ लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर जुगाड़ नहीं है तो फिर आपको डायरेक्टली हैमर करना है। ठीक है, डायरेक्टली हथौड़ी मारना है। तो ये देखिए हम जुगाड़ लगा करके हथौड़ी मार रहे हैं, ये देखिए हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका जो नट रहेगा लगा हुआ, वो नट को आपको टाइट कर देना, फुल टाइट दे देना। न्यू करेंक लगाने के बाद भी अगर फिर भी लूज होने का प्रॉब्लम आ रहा है, हिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें एक और रीज़न आ जाता है। न्यू करेंक जब आप लगा लेंगे और फिर भी अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा, लूज़ होने का, हिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ जाइए ये बॉटम ब्रैकेट आपका ख़राब हो चुका है साइकिल का। तो न्यू बॉटम ब्रैकेट आपको लगा लेना है, वो आपको मैकेनिक देखेंगे तो बता देंगे। बॉटम ब्रैकेट में भी आपका एक एक्सल चेंज होता है, कप चेंज होता है। ठीक है, ये कप अगर ख़राब रहेगा तो कप को चेंज कर देना है, एक्सल ख़राब रहेगा तो एक्सल को चेंज कर देना है, अगर दोनों ही ख़राब रहता है तो पूरा सेट आपको चेंज कर देना है। फिर लूज़ होने का प्रॉब्लम पैडल में नहीं आएगा, ना बॉटम ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि इसका दो रीज़न होता है, एक आपका करेंक से होता है और एक आपका बॉटम ब्रैकेट से होता है। एक और जानकारी देना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि न्यू बॉटम ब्रैकेट लगाने के बाद कुछ दिन चलने के बाद जो है ये लूज़ होने का प्रॉब्लम आ जाता है बॉटम ब्रैकेट। ठीक है, बीबी कप एक्सल भी से बोला जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर न्यू साइकिल लिए हैं, न्यू साइकिल में भी कई बार क्या होता है कि लूज़ होने का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये कप आप जैसा कि देख रहे हैं, तो ये चूड़ी को खोलना है, लूज़ करना है, उसके बाद ये कप को आपको टाइट करना, फिर ये चूड़ी को आपको टाइट कर देना है, ये जो लूज़ होने का, हिलने का जो प्रॉब्लम है बॉटम ब्रैकेट का, वो आपका फिक्स हो जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम होता है लूज का। ठीक, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझिए। इसके बावजूद भी कोई भी सा अगर मन में आप लोग का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और घर में ही आप कर लेंगे, जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, और एक चीज़ हाँ दोस्तों, शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम है उस तरह व्यक्ति का भी आएगा, तो शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय।